जैसे आज आप मानव शरीर प्राप्त है और एक पल की चैन नहीं, इस मनु शरीर प्राणी को या किसी भी प्राणी को देख ले, जो व्यवस्था जैसी वृत्ति नेचर एक चींटी की है, एक कण की आवश्यकता है और एक मन मिल जाए उसने कोई सब्र नहीं, वो अपने बिल में ठोके जाएगी और रात और दिन चलती ही रहती है, एक कण की आवश्यकता पूरे दिन में। लेकिन यह नीत खराब कब हुई थी? जब वो मानव शरीर में वो प्राणी था। तो यही व्यवस्था, यही नीति और यही रीति और यही हमारी वृत्ति मानव शरीर के अंदर है। हमने आवश्यकता थोड़ी सी वस्तु की होती है लेकिन हम बेसब्रे हो जाते हैं, हम संतुष्ट नहीं होते, थोड़े बहुत उसमें लगे ही रहते हैं, जीवन नष्ट ही हो जाता है, पर हम हार नहीं मानते, माया जोड़नते और वो जोड़ी जाड़ी रह जाती है और जो अनमोल वस्तु जीवन था वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब जैसे हम यहाँ सारी सुविधाएं बटोरे बैठे हैं, एक मिनट में मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ से होया चलो, हम जाना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर हम मृत्यु नहीं चाहते। कोई महादुखी हो जाता है तो भी स्वस्थ होने की इच्छा लिए रहता है और ये पता है कि यहाँ रह ही नहीं सकते, जब हमारी यहाँ मृत्यु हो जाएगी, जो हमने सारे जीवन में यहाँ जोड़ा था, कोठी बनाई थी, वो तो यहीं रह गई, हमारे साथ क्या गया और हमारी हानि क्या हुई? एक मूल धन लेकर आए थे हम, मूल पूंजी, अपने श्वास रूपी धन लेकर आए थे और इससे हमने अपनी साधना भक्ति सत करके पुनदान करके इससे कई गुना बनाना था, सौदा करना था, बिजनेस करना था और हम उस विवेकहीन व्यापारी की तरह अपना जीवन धन नाश कर चले, जो 10-20 लाख रुपए लेकर के दूर देश में चला जाता है, वहाँ किसी होटल में ठहर जाता है और उस अपने साथ ले गए धन, उस राशि को आगे व्यवसाय में ना लगाकर खाने पीने मौज मस्ती में सिनेमा देखने में व्यर्थ कर रहा है, तो उसने वो मूल धन नाश कर दिया जिसको दुगना तिगना चौगुना बनाने के उद्देश्य से वो गया था। तो मनु शरीर आपको इसमें ये लाभ प्राप्ति के लिए मिला था कि आप भक्ति करके इसे दुगना तिगना चौगुना कर सकते हो, अर्थात मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो, वो ना कि तुम्हारे साथ क्या चला, जो पूंजी लाए थे वो नष्ट हुआ, यहाँ के जितने पाप थे भक्ति ना करने से सभी पाप संचित कर्मों में लिख कर हमारे साथ चले जाते हैं, तो वो पाप हमारे साथ गए, मनुष्य पूंजी समाप्त हुई, फिर कर्म आधार पर कोई पुण्य शेष बचा था तो स्वर्ग गए, स्वर्ग में जैसे यहाँ हम जब तक सत भक्ति नहीं करते हैं, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, साहेब माने परमात्मा और परमात्मा एक ही है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में अर्जुन से ये ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि अर्जुन यदि तुझे परम शांति चाहिए तो सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इसको फिर से रिवाइज किया है कि उसकी शरण में जाना है तो मेरे सतर की ब्रह्म सतर की जो साधना तूने की है वो मुझे छोड़ दे, एकम शरणम व्रज,
एकम, जिसके समान दूसरा कोई नहीं, समर्थ, उस परमात्मा की शरण में वरद माने जा। और इन सभी अनुवादकर्ताओं ने, इन ज्ञानहीनों ने वरद का अर्थ आना किया है, ये गलत कर रखे। इंग्लिश वर्ड गो का अर्थ जाना होता है, और गो का अर्थ कोई कम करता है, आना करता है, तो वो उस विवरण को समझ नहीं पाया जहाँ पर वो गो शब्द लिखा गया है। इसी प्रकार जहाँ वरद शब्द लिखा है उसका आना कर रहे हैं, तो ये महामूर्खता का प्रमाण उन अनुवादकर्ताओं का है, क्योंकि वो तत्व ज्ञानहीन थे। संस्कृत अवश्य जानते थे लेकिन तत्व ज्ञान नहीं था। अब जितने भी ये महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ठेका लिया वेदों की अनुवाद का, गीता के अनुवाद का, ये डुप्लीकेट ऋषि मैं ऋषि दानंद जैसे, जब तक इनको मूल ज्ञान नहीं होगा तो वेदों के अर्थों का ऐसे अड़ंगा किया इन्होंने। अब जैसे रामायण की चौपाइयों को कोई घोट ले, पढ़ ले, और उसको ये मूल ज्ञान हो नहीं कि राम कौन था, रावण कौन था, सीता कौन थी, दशरथ कौन था, अयोध्या क्या है, श्रीलंका क्या थी, तो उसका अनुवाद करने चले कि राम ने रावण को मारा और सीता ले अयोध्या पग धारा। अब राम का अर्थ तो बकरा भी होता है। अब कुछ एक नकलियों ने ऐसे भी अनुवाद किए हैं वेदों के अनुवादकर्ताओं ने, जैसे जहाँ अग्नि शब्द है, अग्नि का अर्थ होता परमेश्वर, तो परमेश्वर की महिमा, तो परमेश्वर के सतर क्या काम होगा, फिर या करके लिख रखा या अग्नि, परमेश्वर व अग्नि, कोई बात हुई तो ये विद्वान की काम है। अब जैसे राम ने रावण को मारा, अब जिसने ये इस कथा का ज्ञान नहीं तो वो कैसे अर्थ कर रहा है कि राम माने श्री रामचंद्र भी लिख दिया, और या फिर बकरे ने रावण को मारा, ये दोनों काम हो सकते हैं। अब बकरा राम वाला काम कर सकता है, श्री राम वाला? तो इस तरह के नाड़िया ने जो भी अपने आध्यात्मिक ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में थे, विशेषकर जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण आदि आदि। तो इन संस्कृत भाषा में अनुवाद करते समय किसी भी सेंटेंस में या शब्द नहीं हो सकता, सीधा ही अर्थ होगा उनका। तो इन्होंने बहुत सी गलतियां कर रखी हैं और उसका खामियाना हम अभी तक भोग रहे हैं। क्या कहा है कि उस एकम शरणम व्रज, जिसके बराबर दूसरा ना हो। तो यहां जो दास सिद्ध करना चाह रहा है कि आगे गए ना बावड़े, जो पहले चले गए तो उन्होंने तो कोई संदेश दिया नहीं हमें आकर के, और रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, यानी अन्य भगवानों की, जैसे श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री वीर ब्रह्मा जी और श्री दुर्गा जी, गणेश जी आदि की जो पूजा ब्रह्म की, इन और परब्रह्म की, इनकी पूजाएं करने से भी या चलो चलो मिटे नहीं, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, इनकी साधनाओं से हमें स्थाई स्थान नहीं मिल सकता, वो शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी नहीं आते, वो स्थान, वो मोक्ष उस एक परमात्मा को छोड़कर अन्य भगवानों की पूजा साधना से हमें नहीं मिल सकता। तो यहाँ बताया है कि जैसे आप स्वर्ग गए, कुछ पुण्य किए कुछ पाप किए, जैसे यहाँ स्वाभाविक पुण्य भी होते हैं और प्रत्येक का आपको भोग प्राप्त होता है, पुण्यों का भी मिलता है पाप का भी मिलता है, जब तक आप परम संत की शरण में, परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में नहीं आते, तब तक तो आपको केवल वर्क डन ही मिलेगा जैसा किया है। और परम अक्षर ब्रह्म की यथार्थ साधना ना मिलने से एक विधान बना लिया इन नकली ऋषि में ऋषि गुरुओं ने कि प्रारब्ध का कर्म तो भोगना ही पड़ेगा,
जैसे कर्म करेगा वैसा फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। फिर भक्ति की आवश्यकता क्या? अब जैसे किसी के ऊपर दुखों का कहर टूट गया, वो भक्ति कैसे करेगा? सपने में भी नहीं कर सकता। तो फिर भक्ति का अस्तित्व, भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे विधान बनाने वालों ने जो बना रखा है, तो वो वैसे व्यक्ति थे जो महापुरुष थे, अच्छी आत्माएं थी, साधना ठीक मिली नहीं, स्वयं उनका शरीर भी ठीक रहा और अन्य सुविधाएं भी उनको प्राप्त होती रही उनके संस्कारवश। तो वो केवल औरों को, चाहे कोई दुखी आया सुखी आया, अपना वो गलत विधान सुना सुना कर अपना टाइम पास कर गए। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और उसको कोई कहे कि भी कांटा तो निकलेगा नहीं, ये तो तेरे भाग में लिखा गया, और तू जूता पहन ले, भविष्य में आगे कांटा नहीं लगेगा। तो कांटा लगे पैर में, जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले और फिर वो जूता इस डर से पहनेगा कि कहीं फिर से वो पीड़ा ना हो जाए, स्वाभाविक है। फिर नहीं निकालेगा जूते वो पूरी सफर में। तो ठीक इसी प्रकार जो आप पर आपदाएं आई हुई हैं, ये आपके प्रारब्ध में थी। और कुछ ऐसी आपदाएं होती हैं जो तीन ताप के अंतर्गत आती हैं, जो प्रारब्ध से हटकर होती हैं, जैसे ये ऋषि, महर्षि, देवता, ये हम गरीब हैं, ये हमसे तगड़े हैं, ये कुछ पोस्ट प्राप्त है इनको। और जैसे पितर और ये भूत टाइप के हैं, ये शरारती व्यक्ति होते हैं। तो हम एक जो मानव शरीर धारी अन्य प्राणी हैं, ये ऐसे समझो जन साधारण है, और ये अच्छे पोस्ट वाले व्यक्ति हैं, देवता हुए और ये पितर तक हुए, भूत दो सतर के हैं। पितर भी इतनी बेमतलब वो नहीं करते, लेकिन भूत टाइप के जो होते हैं, ये अननेसेसरी परेशान करते हैं, किसी में प्रवेश हो जाते हैं, किसी को सताते हैं। और जैसे देवता रुष्ट हो गए, उन्होंने आपके ऊपर कोई अपना दुख छोड़ दिया, और अन्य जैसे कोई जंतर मंतर कर देता है, वो कर दिया, तो इस तरह के जो तीन, जैसे कोई सर्प डस गया या कोई और, इस तरह के भी तीन ताप के अंदर आते। ये जो तीन ताप भी आपको प्रारब्ध से हटकर भोगने पड़ते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हम परम संत की शरण में नहीं आते, तो ये हमने सभी भोगने पड़ते हैं, इन ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भगवानों के और दुर्गा और ब्रह्म तक की साधना करने वालों के। ये तीन ताप भी नहीं कट सकते, प्रारब्ध का संस्कार भी नहीं हट सकता, वो भोगना ही पड़ता है। जैसे श्री विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने कि तूने मेरे बंदर का मुंह लगा दिया और मैं विवाह कराना चाह रहा था, जिससे मैं वंचित रहा। अब एक जीवन तू अपनी पत्नी के वियोग में बिताएगा, ऐसा उसने श्राप दे दिया। तो उस श्राप को, ये तीन ताप के अंतर्गत आता है, कोई देव ऋषि या कोई श्राप दे दे, कोई जंतर मंत्र कर दे, तो उस श्राप को, उस तीन ताप के दुख को श्री विष्णु जी भी समाप्त नहीं कर सके, भोगना ही पड़ा। और फिर दुर्वासा जी ने श्राप दिया था श्री कृष्ण और यादों को कि तुम्हारे कुल का नाश होगा, क्योंकि यादों ने श्री कृष्ण जी का पुत्र प्रद्युम्न और साथ में कुछ अन्य द्वारकावासियों ने मिलकर मजाक कर दिया था दुर्वासा जी के साथ। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारा पूरा यादव कुल नाश होगा, श्री कृष्ण की आंखों के सामने सारा यादव कुल नाश हो गया, श्री कृष्ण जी भी एक विषाक्त तीर लगने से मृत्यु को प्राप्त हुए।